सब्जियों की कीमतों में जारी उछाल थमने का नाम नहीं ले रहा। सब्जियों की कीमतों में 25% तक का उछाल आया है। अगले एक मिनट में जाने कब मिलेगी महंगी होती सब्जियों से राहत। मई और जून में भीषण गर्मी ने देश के ज्यादातर हिस्सों में सब्जियों के उत्पादन को बुरी तरह प्रभावित किया। लौकी, भिंडी और पत्तेदार सब्जियों की कीमतें पिछले साल के मुकाबले 20-25% और पिछले महीने की तुलना में 10-15% महंगी बिक रही हैं। धनिया जून में दोगुना होकर 400 रुपए प्रति किलो हो गई। वहीं पिछले महीने 50-60 रुपए प्रति किलो टमाटर की कीमत 100 रुपए पर पहुंच गई। आलू पिछले महीने की तुलना में 15% महंगा हो गया। अब बात कब सस्ती होंगी सब्जियां? दरअसल एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सब्जी उत्पादक संघ ने कहा कि अगस्त के दूसरे हफ्ते तक कीमतें स्थिर रहेंगी, जब तक कि नई फसलें जो अभी बोई जा रही हैं बाजार में आनी शुरू नहीं होंगी। हालांकि जुलाई में अच्छी बारिश होती है तो जल्द ऊंची कीमतों से राहत मिल सकेगी, लेकिन जरूरत के हिसाब से बारिश नहीं हुई तो सब्जी की कीमतों पर दबाव बना रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। एक मिनट पूरी बात के लिए देखते रहें किसान तक।